कारे राम प्रकाश, लड़का लड़की को यहाँ पे पकड़ के काहे लाए, कोई बात है का? हाँ सरकार, दोनों लव करता है। का जी लव करते हो? तू तो पाड़े जी का बेटा है ना, और तू रे का, तू तो दलित की छोकरिया है। का रे, ब्राह्मण का बेटवा होके दलित की छोकरिया को अपना घर का बहू बनाएगा? हाँ बनाएंगे, और अगर आप सब हमारे बीच में आए तो मजबूरन हमें पुलिस में जाना होगा। रे छोड़े, इतना सुन ले कि हम लोग ऊंची जाति वाले हैं, और इस गांव में ऊंची जाति की शादी नीची जाति से ना होवे है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी? मोहम्मद जाति पाति, ऊंच नीच, काला गोरा कुछ नहीं देखती। मोहम्मद सिर्फ देखती है तो वो है दिल। और अगर आप सब हमारे बीच में आए तो हम अभी के अभी आप सब के खिलाफ एक लीगल नोटिस भी जारी कर देंगे। प्रणाम, चलते हैं। प्रणाम सरपंच जी। जिसमें ये साफ हो चुका है कि रमेश और रानी बालिक और अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, तो अगर अब भी आप इन दोनों के बीच में आए तो मजबूरन हमें पुलिस में कंप्लेन करनी होगी और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी दाखिल हो जाएगा। बहुत गलत गांव और गलत लोगों से पंगा लिए होगे, पछताओगे। अभी भी वक्त है, हम लोग के गाँव के निजी मामले में टांग ना आ रहा हो। नहीं सरपंच जी, पूरे गांव का नाम मत लीजिए, क्योंकि इस गांव में हम ही रहते हैं, पर हमारी सोच तो आपकी जैसी नहीं है, और हम आज ही यहाँ की जमीन को बेच करके शहर चले जाएंगे, बम्बई, सपनों के शहर। अच्छा बेटुआ, गांव छोड़ के जाओगे, हम भी देखते हैं कि इस हवेली से बाहर तुम निकलते कैसे हो। दरबान, हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो। रुकिए सरपंच जी, दरवाजे बंद करने से पहले हमारी बात सुनिए। छोकरिया, तेरी ये मजाल कि तू हमारे इस हवेली के अंदर आएगी, नीची जाति के है, हवेली के बाहर। हम नीची जाति के, इसलिए आप हमें घर से निकाल देना चाहते हैं? फिर अपने घर में श्री कृष्ण जी की फोटो क्यों लगा कर रखे हैं? ले छोड़ी, वो तो भगवान है, इसीलिए उनकी फोटो लगाई जाती है। हाँ, पर है तो जाति में आपसे छोटे ही ना। सरपंच जी, कोई इंसान अपनी जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है, इसीलिए हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं आज आपसे, और अगर आप ये जाति पाति हटा दे तो ना जाने इस गांव में कितने लोगों को अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। दरबान, दरवाजे खोल दो, इन्हें यहाँ से जाने दो। 20 साल पहले यारी शीतल कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। ये क्या शीतल, इतनी देर? गांव वालों से बचते बचाते आए, इसीलिए देर हो गई। तुमसे बहुत प्यार करते हैं शीतल, और हमने सोचा है कि हम विवाह भी तुमसे ही करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम दलित और आप राजपूत, आपके पिताजी कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे बाबूजी ही क्यों ना। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात रवि के पिता, जो कि उस समय उस गांव के सरपंच थे, उन्हें रवि और शीतल के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया। जाओ, उस दलित की छोकरी को यहाँ पर लेकर के आओ। छोड़ो हमें। सरपंच जी, ये रही, चल जा। दलितों के मुंह नहीं लगते, इस छोकरी का सर कलम कर दो। उस रात शीतल को मार दिया गया, और ये सब रवि अपनी आंखों से देखता रहा, लेकिन शीतल को बचा ना सका, और उस दिन जन्म हुआ एक पत्थर दिल सरपंच का, जिनका दिल एक बार फिर से धड़का 20 साल के बाद, जब रमेश और रानी को प्यार हुआ।